तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेजेंट और पास्ट इन दोनों टेंसेज में क्या अंतर है। इनके एक-एक पार्ट को हम देखेंगे, इंडेफिनेट को अलग देखेंगे, कंटिन्यूअस को अलग, परफेक्ट को अलग और परफेक्ट कंटिन्यूअस को अलग। इन दोनों में देखेंगे कि क्या समानताएं हैं और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट को हम वर्तमान कहते हैं और पास्ट को कहते हैं भूतकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनेट से, इन दोनों सेंटेंसेस के इंडेफिनेट से। अब देखिए यहाँ पर जो है टेंस है, इंडेफिनेट टेंस है। यहाँ पर देखिए आप ये जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो आपका बेसिक फॉर्मूला है वो ये वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इंडेफिनेट की बात करते हैं प्रेजेंट और पास्ट में, तो देखिए प्रेजेंट और पास्ट में जब भी इंडेफिनेट की बात होगी तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब इन दोनों ही टेंसेज में नहीं है। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हर किसी में आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिंपल सेंटेंसेज में इन दोनों ही टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इनमें सिर्फ क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ब लगती है प्रेजेंट में, आपने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आप लगाते हैं, लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो पास्ट के इंडेफिनेट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए ये बात सब जानते हैं, और यदि आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इकलौता पास्ट इंडेफिनेट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में। दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनेट हम उस कार्य को बनाने के लिए यूज करते हैं जो काम रोजाना या अक्सर होते रहते हैं, जैसे कि आपकी कोई हैबिट वगैरह होगी या फिर आपका जो डेली वर्क होता है, जो रोजाना आप काम करते हैं उनके लिए, या फिर जो चीजें त्रुत होती हैं, त्रुत मतलब सत्य होती है, यूनिवर्सल त्रुत होती हैं, उन सब में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाकर। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनेट है इसमें हम जो हमारे वाक्य हैं उनमें कुछ इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, जैसे गया, लिया, दिया, ली, दी, की या फिर किया, इस तरह के वर्ड्स। यानी कि आप पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर जब सेंटेंस बनाना चाहते हैं तब आपको उस वन टाइम के सेंटेंस को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है वह खेलता है, मतलब ये रोजाना की बात होती है ना भाई, वो क्या करता है, वो तो खेलता है, मतलब रोजाना वाली बातें हैं। तो मतलब देखिए इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट जो वर्ब होगी उसमें एस या ई एस लगेगा। ठीक है, देखिए वह खेलता है, ही प्लेज। लेकिन यहाँ पर पास्ट में इधर वाले प्रेजेंट के हैं, इधर वाले पास्ट के हैं। ठीक है, तो पास्ट में क्या है, वह खेला। अब देखिए पास्ट के हम किसी समय के बारे में पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि जो बच्चे थे वो खेलने के लिए गए थे और आपने पूछा भाई वह खेला, मतलब वैसे तो आप उसे क्वेश्चन मार्क की तरह बोल रहे हैं, भाई क्या वह खेला, उसने बोला हाँ वह खेला, मतलब उस टाइम पर जब वो खेलने के लिए गए थे उस टाइम पर वो खेला, ही प्लेड। तो देखिए प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड आ गई, प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, लेकिन हमें वो थर्ड फॉर्म नहीं समझनी हम, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म तो आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड नहीं आएगी डायरेक्ट, तो ये सेकंड फॉर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो ही प्लेड, वह खेला। और देखिए वह स्कूल जाता है, मतलब ये जो काम है स्कूल जाने का वो रोजाना करता है, तो हमने लिख दिया ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। लेकिन जब हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, मतलब किसी ने हमसे पूछा कि भाई वो कहाँ पर है, हमने बोला वो तो स्कूल गया। अब जो वो पूछने वाला है यदि वो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछे, ना कि प्रेजेंट के बारे में पूछे, उसने पूछा कि भाई वो दो मतलब अभी थोड़ी देर पहले कहाँ गया, उसने बोला कि वह तो स्कूल गया, मतलब पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछा है। लेकिन यदि वो ये पूछे कि वो कहाँ गया है, यानी कि अभी की पूछे प्रेजेंट की, तब तो ये हमें परफेक्ट में लेकर जाना पड़ेगा और वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ही वेंट टू स्कूल, तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। हम इंग्लिश बोलते हैं तो मैं बोलूंगा वी स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश। देखिए हम इंग्लिश बोलते हैं यानी कि रोजाना के काम है, हमने इंग्लिश बोली, मतलब मान लीजिए कि आपकी क्लास में
जो है एक टेस्ट था, अभी देखते हैं कौन सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं को बोलता है। अब एक बच्चा था उसने इंग्लिश बोली थी, ठीक है, और किसी ने स्पेनिश बोली, किसी ने फ्रेंच बोली, किसी ने उर्दू, फारसी, जो भी भाषा है अलग अलग, उन्होंने वो अलग अलग बोली। अब वो आकम से बोला, मम्मी मैंने ना स्कूल में इंग्लिश बोली, मतलब वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, पास्ट के को, जिस टाइम पर उसने बोली थी। तो पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम इसका यूज करते हैं, वी स्पोक इंग्लिश, ठीक है। और देखिए, वह रोज बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट डेली, ही गोज टू मार्केट डेली, रोजाना जाता है, लेकिन वह बाजार गया। यहां पर देखिए किसी ने हमसे पूछा कि भाई वो उस टाइम पर कहाँ गया था, आपने बोला कि वह बाजार गया, यानी कि वह बाजार गया, तो मतलब ही वेंट टू मार्केट। इस तरह से आप इनडेफिनिट टेंस को देख सकते हैं, इधर प्रेजेंट का है, इधर पास्ट का है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस चलता है। कंटिन्यूअस में देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर लगता है हर किसी टेंस में। तो देखिए प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपकी इज, एम, आर, और जो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज वर्ब। तो आपको एक चीज तो पता चल गई कि जब भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस का है और प्रेजेंट का है, जब भी वाज वर्ब आएगी तो पता चल जाएगा पास्ट के कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है वर्ब। अब इसमें क्या है, वर्ब दोनों में सेम है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है और इसमें भी आईएनजी लगी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं क्योंकि दोनों में ये दोनों सेम है। अब जो प्रेजेंट वाला है इसका मतलब है कि काम चल रहा है, यानी कि जो काम है ना, जो भी ऐसा काम है जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, उन सभी कामों को बताने के लिए, उन सभी कामों को बनाने के लिए हम प्रेजेंट का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और पास्ट का यूज करेंगे जब पास्ट के किसी काम को बताएंगे जो कि उस समय पर चल रहा था, यानी कि काम पास्ट में चल रहा था, तब हम पास्ट के कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब काम अभी चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस काम चल रहा था, दोनों में डिफरेंस हो गया। और देखिए हेल्पिंग वर्ब का दोनों में अंतर होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बार ये इज, एम, आर, वाज वर्ब कहां पर यूज होते हैं। तो देखिए ये हमने एक चीज देखी है कि हाँ पीछे अभी जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो सब में लगेगी लगेगी, तो एक रूल ये हो गया। ऊपर से जो इज है और जो वाज है, क्या इज और वाज, ये यूज होता है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ही, सी, इट को हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। जो एम है और जो वर है ये यूज होता है सब के साथ, यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है उन सब के साथ आपको एम और वर का इस्तेमाल करना है, समझ में आ गया। अब चलिए इन दोनों में जो है डिफरेंस देखते हैं, इधर प्रेजेंट का होगा, इधर पास्ट का। तो देखिए वह खेल रहा है, किसी ने हमसे पूछा कि भाई वो कहाँ है, आपका भाई कहाँ है, हमने बोल दिया अभी वो तो खेल रहा है, यानी कि अभी की बात हम बता रहे हैं, अभी वो हमारे बोलते टाइम ही खेल रहा है, यानी कि जो कार्य है वो रेगुलर है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है, अभी चल ही रहा है। तो बोलेंगे ही इज प्लेइंग, मैंने बोला था ही के साथ इज यूज होगा, जो पीछे मैंने बताया था आपको रूल, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है इज, ये किसके साथ यूज होगा, ही के साथ, इज और सी के साथ, इट के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, अब पास्ट का बन गया है तो बोलेंगे ही वाज प्लेइंग। अब देखिए इंग्लिश में तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये इज है, यहाँ पर वाज बन गया है ना, तो यही हमने पढ़ा था, प्रेजेंट में इज आएगा, एम आएगा और आर आएगा, पास्ट में वाज आएगा और वर आएगा। हिंदी में तो आप पहचान ही लेते हैं, हिंदी में तो क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोलते आए हैं। वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब ये प्रेजेंट का वाक्य है, भाई किसी ने हमसे पूछा कि भाई वो कहाँ जा रहा है, आपने बोल दिया वो तो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, कैसे बोलोगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर इज आए, यहाँ पर वाज आए, दोनों में सिर्फ यही अंतर है, पास्ट में लेकर जाना है तो वाज वर्ब लगाओ, प्रेजेंट में रखना है तो इज एम आर लगाओ, मतलब पास्ट के किसी समय में वो स्कूल जा रहा था, उस टाइम की जो कंटिन्यूटी थी उसको हम बताने के लिए वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हम इंग्लिश बोल रहे थे, ये दोनों देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने यूज किया है वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे, और यहां पर हमने यूज कर दिया वर का, वी वर क्या है स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम स्पीकिंग इंग्लिश यानी कि हम इंग्लिश बोल रहे थे और हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस में भी देख सकते हैं कि प्रेजेंट में किस तरह से वाक्य बनाने, पास्ट में किस तरह से बनाने। एक और देखिए, वह बाजार जा रहा है तो हम बोलते हैं ना ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी की।
वह बाजार जा रहा था, मतलब पास्ट की बात हो गई, तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज गोइंग टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। तो इस तरह से आप कंटिन्यूअस टेंस को समझ सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर सीखा क्या है कि प्रेजेंट में इज एम वर्ब का इस्तेमाल करना है, पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है। वर्ब दोनों में सेम रहेगी, एक का मतलब है काम चल रहा है और एक का मतलब है काम चल रहा था पास्ट में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका परफेक्ट टेंस। परफेक्ट देखिए, परफेक्ट, परफेक्ट का खुद का मतलब ही परफेक्ट है, मतलब कोई जो काम है वो परफेक्ट है, या तो वो परफेक्टली खत्म है या परफेक्टली शुरू है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई चीज खत्म कर दिया, मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया है, या फिर किसी काम को आपने पूरी शिद्दत से पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया है, अब आप उसको खत्म कर ही दम लोगे, तो या तो काम खत्म होगा या शुरू होगा परफेक्टली, ठीक है। स्ट्रक्चर समय यही रहेगा। तो जो प्रेजेंट है उसमें हम यूज करते हैं हैज हैव का, जो परफेक्ट टेंस होगा प्रेजेंट का परफेक्ट, उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। लेकिन जब पास्ट की बात आती है तो हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चली है क्या, कि जब भी हमें प्रेजेंट का वाक्य बनाना है तो हैज हैव लगाना है, पास्ट का वाक्य बनाना है तो हैड लगाना है, ठीक है। और देखिए, इन दोनों में जो वर्ब की फॉर्म है वो सेम रहेगी। देखिए, जो जो टेंसेज हैं उन सब में वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी, सिर्फ इंडेफिनेट को छोड़कर। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में और पास्ट के कंटिन्यूअस में भी सेम थी। अब यहाँ परफेक्ट में भी देखिए, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सेम है, और ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ये सेम ही रहेगी। अब जो प्रेजेंट है इसमें ये जो हैज हैव है, जब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेंगे तो इनका मतलब वो कि काम खत्म या शुरू हो गया है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया है, ठीक है। जब पास्ट की बात करेंगे कि थी, तो ये क्या सेंस देंगे कि कोई काम खत्म या शुरू हो गया था पास्ट में। मतलब जब प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट में खत्म या शुरू होना चाहिए, और जब पास्ट की बात होगी तो पास्ट में खत्म या शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनकी छोटी सी जो है पहचान थी, और पहचान ये है कि हैज है प्रेजेंट और हैड पास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले हमने ये चीज सीखी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगती है दोनों में। हैज का इस्तेमाल होगा ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। हैव का इस्तेमाल होगा इन इनको छोड़कर, ये जो ऊपर लिखे हुए ना ही सी इट, इनको छोड़कर बाकी सबके साथ हैव का इस्तेमाल करना है। और बाकी जो हैड है, हैड, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये ही सी इट और जो भी जितने भी पर्सन है ना सबके साथ हैड यूज हो जाता है। लेकिन हैज हैव में ये थोड़ा सा पंगा रहता है, हैज यूज होगा इनके साथ और हैव यूज होगा इन सबको छोड़कर बाकी सबके साथ, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले अब देखिए हम इनको सेंटेंसेस के द्वारा इनमें देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो पहला है, वह खेल चुका है, मतलब उसने खेलने का काम खत्म कर दिया है। तो अभी हमने देखा था ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ हैज यूज होता है, तो यहां पर आ गया ही, तो बोलेंगे ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। और जब इसी को पास्ट में बनाएंगे तो बोलेंगे वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। अब पास्ट में हमें हैड लगाना है और प्रेजेंट में हैज हैव। प्रेजेंट में दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और एक हैव, पास्ट में इकलौती हैड है इसलिए ये सबके साथ यूज हो जाता है। अब अगर हम हैड को ही नहीं लगाएंगे तो बताओ फिर किसको लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है। वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, हम इंग्लिश बोल चुके हैं तो हम बोलेंगे वी हैव स्पोकन इंग्लिश, और हम इंग्लिश बोल चुके थे, वी हैड स्पोकन इंग्लिश। वह बाजार गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट, और वह बाजार जा चुका था, या फिर आप यहां पर भी बोल सकते हैं वह बाजार जा चुका है या फिर वह बाजार गया है, दोनों का मतलब एक है, मतलब उसने बाजार जाने का जो काम है वो फिनिश कर दिया है अपने घर से और यहां से वो निकल चुका है, ठीक है। तो बोलेंगे ही हैड गॉन टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस में आप अंतर कर सकते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट में वाक्य बनेंगे, किस तरह से पास्ट में आपके वाक्य बनेंगे। उसके बाद अब एक है जो आपका लास्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और कंटिन्यूअस की वर्ब यूज होगी। अब देखिए कैसे, जो प्रेजेंट वाला है, ये टी यहां से आ गया है इधर, तो चलिए इसको सही कर देते हैं। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमने अभी देखा था परफेक्ट में कि हमने हैज हैव यूज करना है, और पास्ट के परफेक्ट में देखा था हैड यूज करना है। अब सिर्फ आपको एक काम और करना है, इन हैज हैव के बाद बी नो लगा देना है। परफेक्ट है ना इसमें, तो परफेक्ट है तो इसलिए हैज हैव तो यूज होगा ही होगा दोनों में, इसमें हैज हैव इसमें हैड। अब इसके बाद अब आपको कंटिन्यूटी दिखानी है तो आपको यहां पर बीन भी लगा देना है इनके साथ। क्या लगा देना है? बीन लगा देना है, और फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इन दोनों में रहेगी, ठीक है। अब यहां पर सेंस फोर का फंडा भी आता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब यहां पर लिखा हुआ है प्रेजेंट में
से काम चल रहा है, यानी कि किसी समय से कोई काम चल रहा है, किसी पास्ट के किसी समय में कोई काम शुरू हुआ और अभी भी हमारे बोलते टाइम वो चल रहा है, तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और से काम चल रहा था मतलब पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ और पास्ट के उसी समय से लेकर काम चल रहा था पास्ट के किसी समय में, ठीक है। तो पास्ट में ही कोई काम चल रहा था किसी समय से शुरू होकर, तब हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है। इन दोनों की देखिए वर्ब सेम है, दोनों में आईएनजी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो परफेक्ट में वही सेम टू सेम है, सिर्फ आपको बी नहीं तो ऐड करना है, जहां पर हैज यूज होगा, जहां पर आपने परफेक्ट में हैज को यूज किया था वहीं पर इस टेंस में भी यूज होगा। देखिए वह सुबह से खेल रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वह सुबह से खेल रहा था, थे, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये आपको पर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में बनाना चाहते हैं या पास्ट में बनाना चाहते हैं। अब यहां पर जब आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो तब तो हम बोलेंगे ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। लेकिन यदि आप पास्ट में बनाएंगे कि वह सुबह से खेल रहा था, तब आप बोलोगे ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह से। और देखिए वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा है, या फिर वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो कैसे बोलोगे? तो हम यहां पर बोलेंगे, यदि प्रेजेंट में बोलना है तो बोलेंगे ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, और जब पास्ट में बोलना है तो बोलेंगे ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरह से आप बोलोगे हम कल से इंग्लिश बोल रहे हैं, या फिर हम कल से इंग्लिश बोल रहे थे, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। अब कल से है तो यहां पर बताइए, अब देखिए हमने यहां पर क्या नहीं लिखा है, सिंस और फोर, मैंने आपको बताया था इसमें सिंस फोर आते हैं, तो अब आपको ये चीज बतानी है कि यहां पर सिंस आएगा या फोर आएगा। अब यदि आपको ये नहीं पता है कि सिंस या फोर कहां पर यूज होते हैं, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं। सिंस यूज होता है जब आपको एक निश्चित समय दिया जाता है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 16 मई से, अप्रैल से, 2007 से, 2010 से, ठीक है, ये निश्चित समय हो गया। और ये जो फोर है ये तब यूज किया जाएगा जब आपको एक टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी, जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहां पर हमने लिख दिया कल से इंग्लिश बोल रहा है, या फिर कल से इंग्लिश बोल रहे थे, तो यहां पर अब आपको लगाना है कि सिंस आएगा या फोर आएगा, ठीक है। उसके बाद कल के लिए आपको यूज करना है, बताइए क्या यूज करोगे कल के लिए। अब आपको देखिए ये जो कल है ना, ये आने वाला कल नहीं है, ये बीता हुआ कल है, इसके लिए आपको यस्टरडे यूज करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे यहां पर सही यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह सुबह से बाजार जा रहा है, या फिर वह सुबह से बाजार जा रहा था, तो यहां पर हमने लिखा है ही हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, यदि वह सुबह से बाजार जा रहा था पास्ट के लिए बनाना है तो बोलेंगे ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जो है बना सकते हैं दोनों टेंसेज को, ठीक है। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस और देता हूं, वह घर गया है, वह घर गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और हाँ हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।